वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन एंड इन टुडेज वीडियो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि व्हेन विल डेन यूनिवर्सिटी रीओपन। आप सभी इस टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे, जैसा कि कल आपने सुना होगा कि मनीष सिसोदिया जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 1 सेप्टेम्बर से सभी स्कूल्स दिल्ली में सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन दी जा रही है रीओपन होने के लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो इस कन्फ्यूज़न में हैं कि जो मनीष सिसोदिया जी ने जो कहा है क्या वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पर भी लागू होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और इसके लिए क्या करना होगा फिर और क्या इस टाइम लेटेस्ट न्यूज़ है, आइए आपको बताता हूँ। आपको बताना चाहूंगा, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप कोई भी आपकी प्रॉब्लम या कोई भी आपको कंफ्यूजन हो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन पे है, आप सर्च करके मुझ तक आ सकते हैं मैसेज करने। अब अगर हम बात करें अगर कल की, तो कल जो है यहाँ पे आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि भाई 1 तारीख से 9th क्लास से 12th क्लास तक के स्कूल्स खोल रहे हैं। ठीक है, कोचिंग जो है और जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उनको पूरी परमिशन दी जा रही है कि आप रिज्यूम कर सकते हो, वापस से मतलब अपना रीओपन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कहा था। उसके बाद जितने भी डीयू के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हुई कि यार ये न्यूज सच है या गलत है, क्या डीयू सच में 1 तारीख से खुलने जा रहा है। जो बच्चे आउट ऑफ दिल्ली के हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया था, जो अभी मतलब अपने सेकेंड ईयर में आए ही हैं, ठीक है, वो सोच रहे होंगे कि अगर एकदम से अगर 1 सेप्टेम्बर से खुल जाता है तो हम कैसे यार, अपना पीजी वगैरह भी तो हमने कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक है, अपना नो मतलब कोई कमरा नहीं देख रखा हमने, अगर एकदम से कॉलेज बुला लेगा तो हम कैसे मतलब एकदम से मतलब बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन ही क्रिएट हो जाएगी ना। तो ऐसे में आपके लिए मैं आपको एक न्यूज देना चाहता हूं जिससे आप थोड़े से टेंशन में थोड़े कम आओगे। देखो, डीयू खोलने पर, ये आज की न्यूज, ठीक है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है आज की, यहां पे जो है लिखा है कि डीयू खोलने पर अगले सप्ताह विचार किया जाएगा। ठीक है, दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल समेत अन्य शैक्षणिक संस्थान खोलने को हरी झंडी दे दी है, हम सब जानते हैं, लेकिन जो डीयू है उसको खोलने पर डीयू प्रशासन अगले सप्ताह विचार करेगा। ठीक है, डीयू के जो रजिस्ट्रार हैं विकास गुप्ता, उन्होंने शुक्रवार को कहा कि हम रातों रात कॉलेज नहीं खोल सकते। ठीक है, स्कूल खोलना अलग बात है, स्कूल में जो दिल्ली के स्कूल के बच्चे हैं वो दिल्ली के ही होते हैं, ठीक है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पूरे इंडिया से बच्चे पढ़ने आते हैं। ठीक है, रातों रात डीयू को नहीं खोला जा सकता, हमें इस पर विचार करने की जरूरत है, इसके लिए प्रशासन अगले सप्ताह तक विचार करेगा, तब तक जो है मतलब तब जाकर कॉलेज खोलेंगे। रजिस्ट्रार ने यह भी कहा कि आने वाले 3 दिन छुट्टियां हैं, ठीक है, आप सभी जानते हैं जन्माष्टमी वगैरह है, उसके बाद सिर्फ मंगलवार का दिन बच जाता है, ऐसे में कॉलेज कैसे खोले जा सकते हैं। आप खुद सोचिए कि जो बच्चे देश के कोने कोने में रहते हैं वो कैसे एकदम से आ जाएंगे दिल्ली। ठीक है, हमें कॉलेजों को जरूरी दिशा निर्देश देने होते हैं, ठीक है, पूरी गाइडलाइंस निकालने होती हैं। कोरोना की वजह से छात्र ऑनलाइन कक्षा ले रहे हैं, ऐसे में काफी संख्या में विद्यार्थी दिल्ली से बाहर हैं, ठीक है, लोग दिल्ली से बाहर रह रहे हैं, अगर मैं डीयू की बात करूं ज्यादातर। ठीक है, डीयू के जो कार्यवाहक कुलपति हैं, ठीक है, पीसी जोशी साहब, ठीक है, जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने कहा कि वे छात्रों के लिए कॉलेज खोलने के पक्ष में हैं, डीयू नहीं चाहता कि कॉलेज और बंद रहे, ठीक है, लेकिन कॉलेज खोलने का फैसला डीडीएमए, ठीक है, इसके दिशा निर्देश पर निर्भर करेगा, जो पूरी गाइडलाइंस आएंगी फिर हमें पता चलेगा डीयू कैसे खुल रहा है। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं तो विकास गुप्ता जी ने यह भी कहा है कि वी ऑलरेडी कलेक्टेड फीडबैक फ्रॉम प्रिंसिपल्स। ठीक है, जितने भी कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं उनके फीडबैक्स आ चुके हैं डीयू के पास में, और मतलब एंड विल होल्ड इंटरनल मीटिंग्स टू डिसाइड ऑन द मोडेलिटीज। ठीक है, पूरे अच्छी तरीके से आगे अभी मीटिंग्स वगैरह भी होने वाली हैं, और यहाँ पे डीयू ने एक बात और बोली है कि आवर प्रायोरिटी विल बी साइंस स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो है मतलब साइंस स्टूडेंट्स जो है जिनका लैब वर्क वगैरह है, प्रोजेक्ट वर्क है, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी जब कॉलेज खुलेंगे फेज मैनर में। और यहाँ पे लिखा गया कि ऑल अदर क्लासेस आर लाइकली टू कंटिन्यू ऑनलाइन, यानी कि अगर आप बीए से हो बीकॉम से हो तो आप मान के चलो डीयू खुल भी जाता है अभी, तो आपके लिए अभी नहीं खुलेगा, पहले साइंस स्टूडेंट्स जो है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे ही मतलब खुलेगा बीए और बीकॉम के लिए भी। ठीक है, द फाइनल डिसीजन विल बी ओनली टेकन आफ्टर अ मीटिंग विद यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स, एक मीटिंग होगी, सिंस वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया वी हैव टू गिव एटलीस्ट 10 डेज। ठीक है, कम से कम 10 दिन देने पड़ेंगे भाई, जो दिल्ली से बाहर बच्चे रहते हैं वो भी अपना घर देखेंगे कहीं रहने के लिए, कहीं कोई कमरा देखेंगे तभी तो वो आएंगे। ठीक है, और नोटिस बिफोर रिज्यूमिंग ऑफलाइन क्लासेस, पूरा एक नोटिस आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं रातों रात आज इतनी डेट है 1 सितंबर से डीयू खुल रहा है भाई आ जाओ, ऐसा नहीं होता, एक पूरा ऑफिशियल पूरा नोटिस आएगा कि हाँ इस मतलब इस तारीख से जो है आपके ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। पूरा टाइम मिलेगा बच्चे को दिल्ली तक ट्रेवल करने का, अपने लिए अकोमोडेशन को अरेंज करने का, रहने के लिए जगह देखने का पूरा टाइम मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा उन्होंने कि वी हैव एन इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग ऑन अगस्त 31। ठीक है,
31 अगस्त को मीटिंग है, आफ्टर दैट वी विल हैव एन इंटरनल मीटिंग ऑफ सम ऑफिशियल्स। इस मीटिंग के बाद जो ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग होगी, जिसमें डिसीजन लिया जाएगा रीओपनिंग का, किस तरीके से ओपनिंग करनी है कॉलेज की, एंड इसी तरीके से आप देखोगे कि 1 सितंबर को खोलना पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में। बच्चे बाहर से भी आते हैं, अक्रॉस द कंट्री से आते हैं, सो वी नीड टू गिव देम सम टाइम, ऐसा उन्होंने कहा। वी डोंट वॉन्ट टू पैनिक देम, कोई भी ऐसी हड़बड़ी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है डीयू को। स्कूल्स का मामला अलग होता है, लोग कहते हैं कि स्कूल खोल दे रातों रात, कॉलेज को नहीं खोल सकते। स्कूल्स अलग चीज है, वहां पे दिल्ली के ही बच्चे पढ़ते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो लोग दूर दूर से पढ़ने आते हैं, उन्हें टाइम चाहिए ट्रेवलिंग के लिए, आने के लिए। तो हम मान सकते हैं कि अगले हफ्ते डीयू खुल सकता है, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि डीयू भी खोलना चाहता है अपने आप को। पर पहले साइंस स्टूडेंट्स जो है प्रायोरिटी होंगी, उसके बाद हो सकता है 1-2 हफ्ते में बीए बीकॉम के स्टूडेंट्स को भी बुला लिया जाए। यही आपके लिए अपडेट था। वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।